अभी समझ लेते हैं। चलिए स्याही कौन है और इस बार आवेश हमने इसके वर्टेक्स पर रख दिया, कॉर्नर पर रख दिया क्यों, और इसका सेमी वर्टेक्स एंगल मान लेते हैं थीटा। क्या है थीटा। तो अब इससे कितना फ्लक्स जनरेट होगा अगर आपसे पूछ दिया जाए, तो अब देखिए इससे फ्लक्स जनरेट होगा वो सिर्फ यहाँ से ऐसे निकल के जाएगा, तो ये बात तो फिर नहीं समझ में आ रही है क्योंकि ये कॉर्नर पे है, इन साइड तो है नहीं। या फिर इसके लिए अगर हम आर लिख दें फाई बराबर क्यू पान एप्सिलॉन जीरो तो ये तो गलत हो जाएगा, या फिर इसको हम सिमेट्री में लाएं तो फिर आपको एक स्फीयर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इन साइड हो गया तो अब फाई क्यू पान एप्सिलॉन जीरो ये सही हो जाएगा, लेकिन हम ये कंडीशन है नहीं हमारे पास, तो हमें जब इसका करना है तो इसका हम बता देते हैं आपको। ये क्यू आवेश रखा है, ये आपका सेमी वर्टेक्स एंगल हो गया थीटा, तो इसका स्पेशल एक फार्मूला होता है, डेरिवेशन है, इस पर फिर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा हमें। तो फाई ई जो होता है वो क्या होता है क्यू अपान टू एप्सिलॉन जीरो वन माइनस कॉस थीटा, हालांकि बोर्ड में आता नहीं, फिर भी आप उसको देख लीजिए अच्छा है वीडियो, फिर आपको अभी क्लास में अलग से बना के समझा देंगे। फाई ई इज इक्वल क्यू अपान टू एप्सिलॉन जीरो वन माइनस कॉस थीटा। इसका सवाल भी आप कुछ लिए बता देते हैं, जैसे ये आपका एक सिलेंडर, इसकी लेंथ मान लेते हैं हम 2R और रेडियस की ले लेते हैं R, यहाँ पर रखा है आवेश Q, फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज। इस चार्ज के कारण हमको फ्लक्स फाइंड करना है और इस सिलेंडर के कर्व्ड एरिया से, अगर आपसे कोई कह दे इस सिलेंडर के कर्व्ड एरिया से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है इस आवेश के कारण बताइए। तो कर्व्ड एरिया ओनली, कर्व्ड समझ रहे हैं, कर्व्ड एरिया मतलब सिर्फ इतने की बात कर रहा है, इन प्लेन सर्फेसिस की बात नहीं हो रही है, हमको जो फ्लक्स फाइंड करना है इस कर्व्ड एरिया, ये जो कर्व्ड एरिया होता है इसके कारण कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो हमको फाइंड करना है। मतलब उसके लिए फिर आप क्या करें, यहाँ पर स्मॉल एरिया लें और ई देखें, डी ए देखें किस तरफ है उसको, मैं ई डॉट डी ए से बहुत बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा वो। तो क्या करते हैं हम इसमें, ये तो कर सकते हैं अभी हमने आपको समझाया, इसमें आप क्या करिए दो कोन कट कर दीजिए, फर्स्ट और ये हो गई सेकेंड। तो अब जो बचेगा फ्लक्स जनरेट होगा वो कर्व्ड एरिया से होगा, ये वाला आप फ्लक्स इसमें से रिमूव कर दीजिए। तो ये फ्लक्स रिमूव कैसे करें, पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड करने के लिए आपने इसकी लेंथ मानी है 2R, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी R, और रेडियस आपने मानी है R, दिस इज़ R, तो अगर हम इस, ये R है आपका, अगर इस एंगल थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा कितना 45 डिग्री, बेस और आपका ये लंब और आधार R है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस क्यूब के कारण कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है इस कोन के कारण, इस कोन के कारण कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है अभी हम पढ़ा है क्यू अपान टू एप्सिलॉन जीरो वन माइनस कॉस थीटा, और थीटा के लिए कितना एंगल है 45 डिग्री, तो हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा कितना पाई कोन से हो जाएगा क्यू अपान टू एप्सिलॉन जीरो वन माइनस वन अपान रूट टू। ऐसी कितनी कोन इसमें कट हो रही हैं, एक ये वाली है एक ये वाली है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा टू कोन्स का अगर आप देखेंगे, क्या टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो वन माइनस वन अपान रूट टू, टू से टू कैंसिल आउट, तो ये निकल के आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो वन माइनस वन अपान रूट टू। अब पूरे अगर बात करें इस पूरे सिलेंडर से, तो पूरे सिलेंडर से जो फ्लक्स निकलता है वो क्या हो जाता है हमारा, पूरे सिलेंडर से हो जाता है फाई, वो क्या हो जाता है क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, और ये कोन्स वाला उससे हमको रिमूव करना है,
तो जो आपका नेट फाई निकलेगा, जो फाई नेट निकलेगा, तो यहाँ पर इसको हम क्लोज लिख सकते हैं। इस क्लोज सिलेंडर वाले से ये टू कोन्स वाला रिमूव कर दीजिए, तो फाई क्लोज्ड है, इससे आप माइनस कर दीजिए टू फाई कोन वाला, तो ये है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और इससे रिमूव हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो वन माइनस वन अपॉन रूट टू। तो इसको आप जब करेंगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा क्यू अपॉन अंडर रूट टू एप्सिलॉन जीरो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा क्यू अपॉन अंडर रूट टू एप्सिलॉन जीरो, ये हो गया। तो ये आपके उस सवाल कौन वाले हो गए। एक सवाल चलिए और देख लेते हैं, ऐसे हालांकि आप लगा सकते हैं, इतना समझने के बाद इसको तो कर ही सकते हैं, एक्स वाई जेड। अब ये आपका एक हमने बना दिया क्यू, और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इससे आपको जनरेट होने वाला या निकलने वाला फ्लक्स बताना है कितना होगा। तो ये आपको होमवर्क में है, लास्ट लेक्चर में हमने होमवर्क में की दी थी, और बहुत ही सिंपल सा दे रहा हूँ, तो इसको आपको वैसे करना है, और अच्छे से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।